मुंबई वर्सेस दिल्ली। वैसे तो दोनों ही शहर हमारे देश की आन बान और शान है। एक शहर जहां पर हमारे देश की राजधानी है और तो दूसरा हमारे देश का सबसे बड़ा फाइनेंशियल हब है। तो आज की इस वीडियो में हम दोनों ही शहर को जीडीपी और डेवलपमेंट के हिसाब से कंपेयर करने वाले हैं। अगर आपको भी एक सच्चे भारतीय होने का गर्व है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर बात करें मुंबई के बारे में, मुंबई पूरे भारत की आर्थिक राजधानी मानी जाती है और यह भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला भी शहर है और साथ ही महाराष्ट्र राज्य की राजधानी भी है। समुद्र के किनारे बसा मुंबई शहर भारत में सबसे ज्यादा मशहूर है, जिसे सिटी ऑफ ड्रीम्स यानी कि सपनों की नगरी भी कहा जाता है और पूरे भारत के लोग अपने सपने साकार करने के लिए मुंबई आते हैं। और मुंबई में आते ही आपको यहाँ पर बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स देखने को मिल जाएंगे। मुंबई को भारत की कॉमर्शियल कैपिटल के रूप में भी जाना जाता है। बड़ी बड़ी बिजनेस कंपनीज की हेडक्वार्टर्स यहाँ पर मौजूद है। मुंबई को पहले बॉम्बे कहा जाता था। इस शहर को 7 द्वीपों को जोड़कर बनाया गया। मुंबई विश्व के सर्वोच्च 10 वाणिज्यिक केंद्रों में से भी एक है। मुंबई 603 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। बात करें मुंबई की जनसंख्या के बारे में, तो आज के समय पर मुंबई में 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग निवास करते हैं, जिनमें से 65% हिंदू, 20% मुस्लिम, 3% क्रिश्चियन और 4% जैन और बौद्ध धर्म के लोग निवास करते हैं। मुंबई का लिटरेसी रेट 89.73% है। मुंबई प्रसिद्ध फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड का भी घर है, जो कि हॉलीवुड की तुलना में अधिक फिल्मों का निर्माण करता है। भारत के सबसे ज्यादा करोड़पति और अरबपति मुंबई में ही रहते हैं। बात करें मुंबई की जीडीपी के बारे में, मुंबई की जीडीपी 606 बिलियन यूएस डॉलर मानी जाती है और जिसकी भारत की इकोनॉमी में 5% की भागीदारी है। अब बात करते हैं दिल्ली के बारे में। दिल्ली पूरे भारत की राजधानी के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। 1483 वर्ग किलोमीटर में फैला दिल्ली जनसंख्या के तौर पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और यहाँ की जनसंख्या लगभग 1,70,00,000 मानी जाती है। दक्षिण पश्चिम में अरावली पहाड़ियाँ और पूर्व में यमुना नदी के किनारे बसा दिल्ली भारत का एक महत्वपूर्ण सिटी है। दिल्ली को दिल वालों का शहर भी कहा जाता है, जो कि अपने मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। बात की जाए दिल्ली के इतिहास के बारे में, तो महाभारत काल में इसका नाम इंद्रप्रस्थ हुआ करता था और उसके बाद कई राजाओं ने इस पर शासन किया। 1,70,00,000 की जनसंख्या वाले दिल्ली में 80% हिंदू, 12% मुस्लिम, 4% सिख और जैन धर्म के साथ कुछ अन्य धर्म के लोग भी निवास करते हैं और दिल्ली की करंट लिटरेसी रेट 86% है। दिल्ली मुंबई के बाद भारत का सबसे बड़ा फाइनेंशियल हब है। ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो दिल्ली मेट्रो, जो कि पूरे दिल्ली में 290 किलोमीटर तक फैली हुई है। बात की जाए दिल्ली की जीडीपी के बारे में, तो दिल्ली की जीडीपी 370 बिलियन यूएस डॉलर मानी जाती है, जिसका भारत की इकोनॉमी में 4.4% का योगदान है। और दिल्ली की जीडीपी में सबसे बड़ा हिस्सा सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर का है। तो दोस्तों, ये थे हमारे देश के 2 सबसे बड़े और सबसे ब्यूटीफुल शहर। आप दोनों ही शहर को 5 में से कितनी रेटिंग्स देना चाहोगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।